दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम आपसे बात करने वाले हैं कि जब कंपार्टमेंट की आपकी जो मार्कशीट आएगी जब आप पास हो जाओगे तो क्या आपके मार्कशीट पर कंपार्टमेंट लिखा होगा, अगर लिखा होगा तो कहाँ लिखा होगा या नहीं लिखा होगा। तो दोस्तों चलिए बहुत बड़ा आपका जो कन्फ्यूज़न हुआ आज मैं इसको दूर करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूँ कि आपका कहीं पर भी कंपार्टमेंट लिखा हुआ नहीं आएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको जो है एक मार्कशीट दिखा रहा हूँ सीबीएसई की, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो कहीं पर भी आपका जिसे पास यहाँ पर लिखा हुआ सबसे नीचे देखो परिणाम रिजल्ट के नीचे देखो पास लिखा हुआ ब्लैक पेन से, ठीक है, PAS पास लिखा हुआ है। तो जब आपका रिजल्ट दोस्तों आएगा तो वहाँ पर कहीं भी कंपार्टमेंट लिखा हुआ नहीं होगा, ठीक है, वहाँ पर भी पास लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ना ही इंप्रूवमेंट लिखा हुआ आएगा और ना ही कंपार्टमेंट लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बढ़िया सा आपने एग्जाम अगर दे दिया है तो बहुत बढ़िया, और इंतजार करो जब भी आपका रिजल्ट आएगा या मार्कशीट आएगी, रिजल्ट पर तो लिखा रहेगा कि रिजल्ट अलग बात है, ठीक है, लेकिन मार्कशीट पर दोस्तों कहीं भी कंपार्टमेंट नहीं लिखा होगा, ना ही रिजल्ट पर लिखा होगा दोस्तों उम्मीद है, और ना ही आपकी मार्कशीट पर आपका कंपार्टमेंट लिखा होगा, ठीक है, ना ही इंप्रूवमेंट लिखा होगा और ना ही कंपार्टमेंट लिखा होगा। तो इसलिए बिल्कुल टेंशन फ्री होइए और कोई टेंशन आपको होने वाली नहीं दोस्तों, चाहे आप किसी भी क्लास में एडमिशन लेना चाहिए आफ्टर 12 आफ्टर 10 कोई परेशानी की बात नहीं, आप एडमिशन ले सकते हो। जॉब में भी कोई परेशानी नहीं होने वाली, किसी भी चीज़ में टेस्ट वगैरह इंटरव्यू वगैरह में कोई आपको परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं सब तक दोस्तों इस वीडियो को शेयर करिए और उनको बताइए कि कहीं पर भी ना कंपार्टमेंट लिखा होगा आपके मार्कशीट पर, नहीं इंप्रूवमेंट लिखा होगा, सिर्फ पास लिखा होगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।